शालू ने बता दिया आयुष को अपने रिश्ते और अपने प्यार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब आयुष शालू को कहेगा कि शालू मुझे सब पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और क्यों छुपा रही हो, यह सुनकर तभी शालू को काफी बड़ा शौक लगेगा। जहाँ पर जब आयुष कहेगा कि शालू बताओ पारो लक्ष्मी भाभी और ऋषि भाई की ही बेटी है ना, मुझे पता है कि शालू तुम पारो के बारे में सब कुछ जानती हो, और आयुष शालू को कहेगा कि सच सच बताओ शालू, जब लक्ष्मी भाभी हमारा घर छोड़कर गई थी तब वो प्रेग्नेंट थी ना, उनके पेट में ऑलरेडी बच्चा पल रहा था ना, यह सुनकर तभी शालू के होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर जब शालू आयुष को कहेगी कि आयुष मुझे जाने दो, मुझे जाना है प्लीज, इसलिए मुझे जाने दो, तब यह सुनकर आयुष कहेगा कि मुझे पहले बताती जाओ कि सच क्या है, मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ शालू। तभी यह सुनकर शालू गलती से आयुष को कह देगी कि आयुष हट जाओ वरना मैं हमारे बारे में तुम्हारी वाइफ को और सबको बता दूंगी, जिसे सुनकर आयुष को काफी बड़ा झटका लगेगा। और आयुष अपने मन में कहेगा कि हमारे बारे में मतलब यानी शालू को भी पता है कि उसे मुझसे प्यार है, क्या शालू भी महसूस करती है मेरे प्यार को। तभी शालू आयुष को साइड करके जाएगी। तभी आयुष शालू को कहेगा कि शालू रुक जाओ, मुझे बताओ हमारे बारे में क्या तुम सबको बताओगी और हमारे बारे में क्या बताओगी, हमारे बीच ऐसा क्या है। तभी यह सुनकर शालू आयुष को कहेगी कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, जैसे सुनकर तभी आयुष कहेगा कि मुझे जानना है कि मेरे तुम्हारे बीच क्या है और हमारे बारे में तुम को क्या बताओगी, यह सुनकर शालू को काफी बड़ा शौक लगेगा। यहाँ पर जब शालू आयुष की पुरानी यादें याद करेगी और आयुष के सामने पलट कर देखेगी तभी शालू बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाएगी। जहाँ पर जब आयुष शालू का पीछा करते हुए शालू के पीछे पीछे आएगा और शालू को पकड़ते हुए रोकेगा और कहेगा कि शालू मुझे बताओ तुमने क्या कहा था, हमारे बीच में ऐसा क्या है जो तुम सबको बताओगी। तभी शालू गुस्से से कहेगी क्यों आयुष तुम्हें नहीं पता कि हमारे बीच क्या था और अभी क्या है। तभी यह सुनकर आयुष एक पल के लिए चुप हो जाएगा और आयुष कहेगा नहीं। तभी शालू अपने प्यार के बारे में जताती हुई और बताती हुई आयुष को कहेगी कि हमारे दिल में मेरे दिल में प्यार था तुम्हारे लिए, और मैं भी जानती हूँ आयुष कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार था, लेकिन वो प्यार हमने कभी एक दूसरे को जताया नहीं, ना ही बताया, ना ही तुमने मुझे बताना सही समझा, इसलिए जब मेरी दी का इस घर से मान सम्मान पूरी तरह से खत्म हो गया और ऋषि भाई से लेकर तुमने तक लक्ष्मी दी का साथ नहीं दिया, तो मैं तभी उसी दिन से तुम्हें भूल गई, क्योंकि जो मेरी इतनी अच्छी दी लक्ष्मी दी का नहीं हो सकता तो मेरा क्या होगा। और शालू आयुष को और गुस्से से कहेगी कि एक बात तो माननी पड़ेगी आयुष, मेरे जाने के बाद तो तुमने शादी भी कर ली और अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए, जिसे सुनकर आयुष को गुस्सा आ जाएगा और आयुष गुस्से से शालू को कहेगा कि शालू बस इसके आगे और एक शब्द नहीं, मैंने अपनी शादी किस हालत में और किस तरह की है वो मुझे ही पता है, लेकिन शादी जब मेरी हो रही थी तभी उससे पहले मैं तुम्हें शालू कितनी बार ढूंढने की कोशिश किया, रेल हादसे में सिर्फ लक्ष्मी भाभी का ब्रेसलेट मिला था, तुम्हारा कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए शालू मेरे अंदर एक उम्मीद थी कि तुम जिंदा हो, मैंने तुम्हें सालों तक बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली, फिर मेरी जिंदगी में मजबूरी आई और ऐसी सिचुएशन ही खड़ी हो गई कि मुझे शादी करनी पड़ी, लेकिन आज तक मेरा ऐसा रिश्ता बना ही नहीं, जो शादी में जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बनता है वैसा मेरा रिश्ता कभी बना ही नहीं। यह सुनकर शालू को काफी बड़ा शौक लगेगा। और आपको आयुष शालू की जोड़ी कैसी लगती है, और आप आयुष शालू को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और शालू को अपने प्यार का इजहार आयुष को कर देना चाहिए क्या नहीं, कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।